यहाँ पर दक्षिण मुंबई विभाग प्रमुख के कार्यालय हमारे पांडुरंग सतपाल जी, इनके ऑफिस से, हमारे शिवसेना के कार्यालय से काफी मुसलमान फैमिलीज को रमजान का ये एक ट्रेडिशन है, हर साल यहाँ पर हम लोग पूरे महीने का काफी मुस्लिम फैमिलीज को राशन देते हैं। ये हम लोग पूरे महीने का राशन है और लोग जो है कुछ मलाड से, कुछ गोरेगांव से, कुछ हमारे कुलाबा से, कुछ पेंडी बाजार साउथ बॉम्बे साइड से काफी आते हैं। आज हमारे साथ में इस अच्छे काम में, रमजान के पूरे राशन पूरे महीने का बांटने में, इस अच्छे काम में हमारे साथ यहाँ पर हमारे पांडुरंग सतपाल साहब, हमारे दक्षिण मुंबई के विभाग प्रमुख, और आशाताई मामेडी जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बहुत अच्छी सोशल वर्कर है साउथ बॉम्बे में। आज हम लोग सब मिलकर ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। पांडुरंग सतपाल साहब, आज रमजान के इस पवित्र अवसर पर यहाँ पर हमारे खालिद भाई, आशाताई मामेडी, यशवंजी को लेकर यहाँ पे मौजूद है। हर साल यहाँ से हम लोग रमजान के इस पाक महीने में सभी हमारे जो बहनाएँ, हमारे जो इस्लाम मुस्लिम महिलाएं, इनके लिए एक महीने का राशन हम लोग यहाँ से दे देते हैं। और साथ में हमारे जो खालिद भाई हैं, हमारे साथ में हमेशा रहते हैं, उनकी ये आइडिया है और उनकी बहुत ही अच्छी सराहना करनी जैसी इनकी ये आइडिया है। और ये हम लोग हर महीना, हर रमजान के दिन, रमजान के पहले दिन हम लोग ये सभी महिलाओं को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जितनी भी गरीब महिलाएं हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज ये हम हमारा कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो भी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं, उनको हम लोग जो ये बंटवारा कर रहे हैं, सबका इस रमजान के महीने में भला हो जाए, आगे उनकी जो लाइफ है वो अच्छी हो जाए, उनको अच्छी लाइफ मिली और अच्छी उनकी जो मनोकामना है वो खुदा के सामने वो दरख्वास्त करके उनकी पूरी हो जाए। ये मैं उनको यहाँ पे शुभेच्छा देता हूँ। हमारे आशाताई मामेडी दो शब्द बोलेंगे। रमजान के इस पाक महीने से एक दिन पहले आज हमारे खालिद भाई ने जो उपक्रम शुरू किया है, सही में खालिद भाई को बोलूंगी कि ऊपर वाला अपने को इतनी ताकत दे कि हर महीने ऐसे गरीब महिलाओं को हम लोग ऐसा सामान बांटे, क्योंकि एक महीना वो बहुत अपनी जी जान लगाकर ऐसे राह देखते हैं कि कब खालिद बाबू का फोन आएगा और हमको एटलीस्ट एक महीने का राशन मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। शिवसेना हमेशा समाजकरण ही करते आई है, कभी उन्होंने राजकारण नहीं किया है। इसका एक छोटा सा ये एक उदाहरण है। पांडु सपाल जी है जो हमेशा गरीबों के लिए नहीं, कोई पक्ष नहीं देखते, कोई धर्म नहीं देखते, हमेशा किसी का भी फोन आए तो अपनी बटालियन लेकर वो चले पड़ते हैं। तो आज इन सबके हाथों से अब बहनों को भी जो ये मिल रहा है, ये छोटी सी भेंट आपको मिल रही है, लेकिन दुआ करो कि अगले साल से या उसके बाद में खालिद मामू के थ्रू हम लोग हर महीने आपको राशन देते रहे। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, मुझे काफी मुसलमान लोग मुझसे ये कहते हैं कि अल्लाह का जो भी काम होता है वो नेकी का काम होता है और उसे छुपा के किया जाता है, बता के नहीं किया जाता। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, मैं खास ये काम रमजान का, मुझे पता है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं जो ऐसे अफवाह फितना फैलाते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं खास करके शिवसेना के कार्यालय से, आज ये तीसरा साल है और अल्लाह करे जब तक मैं जिंदा रहूं मैं ये कार्य यहाँ शिवसेना के कार्यालय से करते रहूं, उसका वजह ये है कि ताकि लोग देखें कि हमारी पार्टी शिवसेना, चाहे रमजान हो, गणपति हो, गोविंदा हो, या कोई भी धर्म का प्रोग्राम हो, वो कोई भेदभाव नहीं करती है। और ये एक उदाहरण, मैं खालिद मामू, जो लोग मुझसे वो छेड़खानी करते हैं और मुझे बोलते हैं अरे तुम शिवसेना, मैं उन्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो ये है असली शिवसेना, ये हमारी शिवसेना पार्टी जो कोई भेदभाव नहीं करती है। और रमजान का जो कहते हैं मुसलमान की दुश्मन, ये देख लो
ये हमारी कितनी प्यारी दुश्मनी है कि हर महीने हर साल रमजान का हो या ईद का हो या कोई मस्जिद का इशू हो, हमारी शिवसेना पार्टी इस तरह मुसलमानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करती है। ये हमारी शिवसेना पार्टी, ये सिर्फ एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर बताता हूँ। ये देखिए, इनमें से कुछ सोशल वर्कर है और कुछ हमारी बहनें हैं, हमारी बहनें हैं, और भी कुछ लोग आ रहे हैं अभी, जिनके हाथ में ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 परिवार इस महीने। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग दुआ करें कि पांडुरंग सकपाल जी, आशा ताई जी, मेरी बहन, हम लोगों को अल्लाह इतना दे कि हम लोग 20,000 लोग फैमिलीज को हम लोग दे, 20,00,000 फैमिलीज को दे। बस अल्लाह से आप दुआ करें हमारे। और ये कोई शोबाजी का तरीका नहीं है, ये सिर्फ बताना है कि शिवसेना मुसलमानों के साथ में खड़ी थी, खड़ी है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में खड़े रहेगी। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है रमजान के लिए, आप सब हमारे लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।